नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि निफ्टी के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट हर्डल है, कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और देखेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अभी और भी शॉर्ट कवरिंग आना बाकी है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और 326 पॉइंट्स की तेजी के बाद निफ्टी में क्या बदला है इस चीज़ को जानेंगे। देखेंगे यहाँ पे कि और कितनी अपसाइड बन सकती है इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं, ये फाइनली लाइव सपोर्ट लॉन्च। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो के थ्रू। और इसमें जो हमारी और आपकी जो आपस की जो कनेक्टिविटी है उसको लेके हमने एक यहाँ पे एक एप्लीकेशन बताई है। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके आप पर्टिकुलर इस सर्वर से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि हम कोशिश करेंगे आपकी लाइव सपोर्ट देने की, और जो भी मार्केट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट होती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिए, ताकि कहीं आप पीछे ना रह जाएं। और लोगों से काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए और आज ही ज्वाइन हो जाइए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। एब्सोल्युटली फ्री है और आपके और बीच में हमारी जो एक कम्युनिटी है उसको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लोजिंग की। देखिए, 11,603 पे क्लोजिंग आई है, 11,600 के ऊपर निफ्टी निकल के क्लोज हुआ है। और काफ़ी देर तक निफ्टी 11,500 के ऊपर टिका रहा था, तो उसका मतलब क्या है कि 11,500 हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया है, क्योंकि आज काफ़ी देर तक निफ्टी उसके ऊपर टिका रहा और फाइनली 11,600 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो देखते हैं क्या चेंजेस हुआ डाटा में, और 11,500 से स्टार्ट करेंगे हम। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में अगर देखा जाए तो 11,500 आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 11,500 की जो पुट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20,33,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है और करीब 26,18,000 का ओपन इंटरेस्ट टोटल यहाँ पे खड़ा हो गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ 11,500 की कॉल की, तो वहाँ पे आपको दिख रहा है करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है और 6,33,000 का घटता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 11,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनता जा रहा है, क्योंकि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 11,500 के नीचे हम नहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा पुट में, और फिर 11,500 और भी ज़्यादा मजबूत सपोर्ट बन जाएगा। दूसरी चीज़ है, जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो पॉजिटिव है, तो कोई भी डिप आती है कि उस डिप में ज़्यादा तो लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी ऐसा ही होता हुआ है, डिप आई थी उस डिप में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और नीचे से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए मार्केट ने दोबारा से हाई को जाके टच कर लिया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि 11,600 पे क्या हो रहा है। देखिए, 11,600 पे भी बहुत तेजी से ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज ही के दिन में 16,32,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया है और 17,46,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल खड़ा है। तो 11,600 की पुट पे, अगर 11,600 की पुट पे यहाँ पे अगर होल्ड करता है निफ्टी और 11,600 के ऊपर टिका रहता है, तो आपको इसी सीरीज में आपको और भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो निफ्टी को 11,800 तक ले जा सकती है। सेंटिमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आपको कोई भी डिप मिलती है उस डिप में आपको बाय करके ही काम करना है। वो डिप अगर आपको 11,550 या 11,500 तक की मिलती है तो आप बाय करके ही काम करिए और होल्ड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है, स्ट्रांग मोमेंटम का फायदा आपको मिल सकता है इस तरीके से। वहीं 11,600 की कॉल अगर आप देख सकते हो, तो कॉल पे यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है करीब 30,91,000 का यहाँ पे, बट ये दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि ये ओपन इंटरेस्ट है तो बहुत बड़ा, बट जो मार्केट का मोमेंटम है उस मोमेंटम में क्या ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मार्केट को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो फिलहाल आपके लिए जो रेंज है वो यही समझिए कि अगर कोई डिप आती है 11,500 के लेवल तक की, तो आप एक कॉल लेके ही काम करिए, और अगर आपको किसी को कुछ भी काम करना है तो लॉन्ग साइड पे ही काम करिएगा। शॉर्ट करके काम करने का इस मार्केट में अब राइट नाउ कंडीशन में तो शॉर्ट करने का कोई मोटिव नहीं बन रहा है। आपको शॉर्ट करके बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, आपको जो भी काम करना है बाय करके ही करिए, ताकि आप ट्रैप ना हो और बाय साइड पे आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत
ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाय साइड पे ही रहना है। थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन से ही मैं आपको बोल रहा हूँ बाय साइड पे ही रहना है। फ्राइडे को आपने मूव देखा, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी मैंने आपको, जब थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें मैंने आपको ये बोला था शाम के वीडियो में कि आपको होल्ड भी करके चल सकते हो। तो होल्ड करने का रीज़न यही था क्योंकि उस टाइम जो डाटा था वो ये बता रहा था कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और मार्केट में एक 200 से 300 पॉइंट का मूव आ सकता है। बट ये मूव बहुत ज़्यादा आ गया है, ऑलमोस्ट 800 850 पॉइंट का मूव आ गया। अब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद दोबारा से मोमेंटम दिखाई देगा ऊपर की साइड और आपको बहुत ही जल्द एक नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए दिखाई देगा। क्योंकि इस टाइप का मोमेंटम जब बनता है तो इसमें एक नया लाइफ टाइम हाई बनाता ही है निफ्टी। अगर आप पास्ट मूवमेंट भी देखोगे उसमें भी ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। तो जितने दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा तो वो कंसोलिडेशन का जो जोन हो सकता है वो 11,500 से लेके 11,700 के बीच का हो सकता है। उसके बाद ब्रेकआउट आएगा और फिर एक लाइफ टाइम हाई बनता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। तो फिलहाल आपको नज़र यही रखनी है कि डिप आती है कोई भी 100 150 200 पॉइंट की तो आप उसमें एक कॉल लेके ही काम करिए। अब चलते हैं यहाँ पे जल्दी से बैंक निफ्टी के डाटा पे, उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि डाटा इतने बड़ा बड़ा मूव आ रहा है तो डाटा कायदे से सही तरीके से बन नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रेडर भी यहाँ पे थोड़े से परेशान है कि कहाँ पे पुट राइटिंग करें कहाँ पे कॉल राइटिंग करें। और जो वॉलीटिलिटी है, विक्स इंडेक्स ऑलरेडी आज भी 9% उछल के कामकाज कर रहा था तो वॉलीटिलिटी भी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार वॉलीटिलिटी स्टेबल होगी तब जाके ट्रेडर सही से डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे कॉल राइटिंग करनी है कहाँ पे पुट राइटिंग करनी है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 30,500 के ऊपर, 30,500 के ऊपर क्लोजिंग आई है। बट 30,500 पे आपको दिख रहा है कि करीब 3,50,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल में, और पुट की बात करें तो पुट पे कितना है, 2,62,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पुट पे खड़ा है। वहीं अगर 30,000 की बात करते हैं तो 30,000 पे आपको दिख रहा है, 30,000 की जो पुट है वहाँ पे 5,17,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वहीं अगर मैं 30,000 की कॉल की बात करता हूँ तो 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब देखने की बात यह है कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं कॉल साइड पे वो है करीब 31,000 की कॉल पे जो कि है 5,49,000 का। बट सिर्फ दिक्कत इस चीज़ की है कि 30,500 पे तो एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है बट इसके ऊपर पुट राइटिंग नहीं हो रही है, कॉल राइटिंग भी ज़्यादा नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो 30,600 30,700 30,800 पे ऑलमोस्ट 1-1 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि कॉल राइटर अभी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के मार्केट रुक सकता है। वो सिंपल सी चीज़ है, जो लोग थोड़ा बहुत राइटिंग कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत ही कर रहे हैं। बट पुट राइटर को एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि अगर कोई भी बैंक निफ्टी लेवल तोड़ रहा है तो उस लेवल पे जाके वो एग्रेसिवली राइट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखो 30,500 के ऊपर क्लोज आया है बैंक निफ्टी। तो 30,500 पे जाके एकदम से किसी ने कॉल राइटिंग वो पुट राइटिंग करी है जो कि करीब 2,29,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है आज के दिन में। तो अगर 30,500 होल्ड करता है बैंक निफ्टी या फिर कोई डिप आती है 30,300 तक की, 30,300 30,200 तक की डिप आती है तो आप एक 30,500 की कॉल लेके काम कर सकते हैं और 30,400 की भी लेके काम कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को सिर्फ लॉन्ग काम ही करना है, मतलब सिर्फ ट्रेड ही डालना है तो वो लॉन्ग साइड की ही ट्रेड होगी। तो नज़र रखिए इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।